वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 132.50 पे ट्रेडिंग कर रहा है ONGC स्टॉक। कल एक अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी, उसी तेजी के बाद आज हल्की सी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। मीन्स 10 पैसे की गिरावट हो चुकी है आज के दिन में। तो देख सकते कि आज ओपन हुआ था 133 लेवल पे, हल्का सा गैप अप से ओपन हुआ था। ओपन होते यहाँ पे आप देख सकते हल्की तेजी भी देखने को मिली थी, पर ऊपर देख सकते कि ऊपर ज्यादा समय सेट नहीं हो पाया, तो रिसेंटली एक गिरावट देखने को मिली और प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे यहाँ पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है, यानी कि चोपी मूवमेंट बनाता हुआ नजर आ चुका है। मार्केट कैप 1.67 लाख करोड़ की है और पी रेशियो देखोगे तो अभी भी अच्छा खासा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पिछले 5 दिनों के ऊपर नजर डाली जाए तो पिछले 5 दिनों में 4.70% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 6.0 है। तो यहाँ पे देख सकते कि ओइन जैसे स्टॉक की यहाँ पे वॉल्यूम देखा जाए टोटल आज के दिन का, तो देख सकते 99,92,000 का टोटल वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 13,258 लाख की है, यानी कि देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन बाइंग के लिए 17 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए 28 लाख क्वांटिटी यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। तो डिलीवरी के लिए पोजीशन देखा जाए तो डाटा अनअवेलेबल है रिसेंटली। तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि कल के दिन एक अच्छी मूवमेंट की थी सपोर्ट 1 के ऊपर यहाँ पे ओपन होके, और आज भी देख सकते कि सपोर्ट 1 का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है ONGC स्टॉक, यानी कि 130 लेवल पे एक सपोर्टिव लेवल ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो उसके पहले भी कई बार सपोर्ट ले गए थे। तो रिसेंटली यहाँ पे मंथली सपोर्ट को ब्रेकआउट देता है फिर से एक बार, तो नीचे 130 लेवल पे सपोर्ट लेने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ONGC स्टॉक के लिए।